ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सबके कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य प्रसे भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। जो का नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों
और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास की चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है।
किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणिक्यों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़न में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शीश जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनंती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कहुओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना।
दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगद रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगाजी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका भी कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जांबवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है।
ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्दिज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनंती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती चाह भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराए दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ।
नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अम्लों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है
तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस कासा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं।
इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई ताट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनंती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले है, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंडल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके
और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्या पुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौसल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौसल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दृष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गुढ़ प्रेम था जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दृष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है जो ज्ञान की घनमूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी रीछों के राजा जांबवान जी राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। शुक्र देव जी सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए।
राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक, भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण, ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंडल वेश वाले होने पर भी मंडल की राशि है। शुक्र देव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्ति शिरोमणि हो गए। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक, भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण, ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंडल वेश वाले होने पर भी मंडल की राशि है। शुक्र देव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है।
जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रह्लाद के समान है। यह राम नाम देवताओं की शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वह श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि, कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सभी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यशायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कोसलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकुड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए
अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहां मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन घन परमात्मा श्री राम जी और कहां पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों की भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शीला निधान, स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला हो, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काक भूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने बारह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुढ़ कथों के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली
और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारा गण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं, जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है।
हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करने और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रख कर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सूर्य जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सूर्य जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देख कर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्वी की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी में श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है।
वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला जाता और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर कर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरईन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य भवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति हैं। गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुर्तक ही भयानक नदियां हैं।
जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसके नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदिदैव, आदिभौतिक तपों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंडलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंडलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तीन मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुम्बियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावे और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आसपास में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रही है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंडल साज सजाया गया,
वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातकों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों की जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगम दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गृहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं।
ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि
तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार येत्रा युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि जी ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वो अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इन बातों को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेदों को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वो मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित
और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वो भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वो ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिवजी के वचन भी छूटे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वो बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे, मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वो बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं?
श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वो डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वो प्रकृतिस्थ हों। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वो जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणु और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वो भी उनके प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करते देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वो आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभावों को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसके लिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाया
और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपटी रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वो हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवेग ने समान अत्यंत जलने लगा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्यों को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति प्रत्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली, शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने
उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी, जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के कारण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत,
शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहीं जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि ने चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों दत्त को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संयमहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंडल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे।
और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज जी ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव्य सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणांगतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही हो, मैं अरोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये भिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा।
नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्रह्मा ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुम्बी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शीरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को ही खाया, फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मा वाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों को वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं।
इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भटकती अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया है, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहीं तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती जी से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वो दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है।
इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्ने में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अब गुणों के भवन है और विष्णु समस्त सगुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वो शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया,
उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा करने वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं, बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तैलियां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए। लोग मद, नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र, महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण पांच बाण छोड़े, जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत शोक हुआ। उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा।
जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए, कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनके सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए देव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ से प्रेम सहित उनकी सेवा की है।
हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंडल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालकों को बुलाकर हंसकर ऐसे कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगियों ने की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेटंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं।
बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहीं डटे रहे, लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती, ये बारात है या यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वो नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परचन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाने चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांगने में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है।
एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने तो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेश छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की ही प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाकशास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। जिसके घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मांडों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी है वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। तब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणि ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण देव मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता।
बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराध को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी की माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब छह मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मनबिंदु और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वह प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है।
जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। स्पेस, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार भरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत
जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे राशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभो, जो परमार्थत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं, ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभो, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उसे नहीं छिपाते, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्थ भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया, वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभो, जो बात मैंने नभी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जी इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए, प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया।
शिवजी दो घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और संत पुरुषों की समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें।
जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सनिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया।
वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीभ के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों की राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर
विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तक वे कृपा निधान प्रभु भौति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गागा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण तीन जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भ्रम कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था?
हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि ब्रह्म करने को जाओ। यह सुनकर मणिध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामग्नि को भड़काने वाली तीन प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुति देवागनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन्हें नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए।
जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दीनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवन, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगरी भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीत जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई, उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा।
नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभो, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया के विशाल बल दे दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजलोक खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वही बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी जीजी जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा,
हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छ दंता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इससे ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर धाड़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा
कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनुजी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मनु की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनुजी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। तब मनुजी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव की चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्वेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है
एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। इस 10000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से लज्जाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और दुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभो, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, जो कागभूषणी के मन स्वरूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभो, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप की नेत्र भर कर देखें।